सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। देवरिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में फॉर्म भरवाने के नाम लूट मची हुई है। इसमें ग्रामीणों को 2 लाख का लालच देकर फॉर्म भरवाया जा रहा है, जबकि इस जिले में यह योजना लागू ही नहीं है। जिला प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें शामिल लोगों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है। योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म भरवाने वाले गिरोह सक्रिय हैं। फार्म भरवाने वाले सदस्य लोगों को रकम वसूल रहे हैं। गिरोह के सदस्य 500 से 1000 रुपए प्रति आवेदन पर ले रहे हैं। बाकायदा ग्राम प्रधान के पास ले जाकर उसको प्रमाणित करा रहे हैं। ग्रामीणों से लिए गए पैसे में उनको भी हिस्सा दे रहे हैं। इस तरह से यह धंधा जोरों पर फल फूल रहा है। ग्रामीणों को लालच दिया जा रहा है कि योजना के तहत 2 लाख रुपए उसके बेटी को मिलेगा जब वे 18 साल की आयु पूरी कर लेगी। इस लालच में लोगों में फॉर्म भरने की होड़ लगी हुई है। गौरी बाजार, तरकुलवा, रामपुर कारखाना, सलेमपुर, रुद्रपुर, भटनी, पथरदेवा, भल्लुअनी, बरहेज, भागलपुर, लार, बनकटा, देसी देवरिया आदि विकासखंड क्षेत्रों में फॉर्म भरने का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। उधर मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि लगानुपात बराबर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यह योजना प्रदेश के 17 जनपदों में लागू है। बगल के गोरखपुर में यह योजना लागू है। यहाँ अभी यह योजना संचालित नहीं है। प्रधान ऐसे किसी फार्म को प्रमाणित न करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी को ऐसे लोगों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।